हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2019 के चुनाव में टेलीस्कोप से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी भाजपा, कहती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया है वो ये दिखाता है कि मोदी सरकार इस बात से डरी है कि कहीं 2019 में उनका पत्ता साफ ना हो जाए। उन्होंने हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक में दावे के साथ कहा है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह से सत्ता से बाहर हो जाएगी कि टेलीस्कोप से भी उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उनका कहना है कि सरकार बेचैन है और जो बजट जेटली ने पेश किया है वो बेचैन बजट है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, सारे दावे खोखले नजर आते हैं। जिस स्वास्थ्य योजना की बीजेपी बात करती है वो भी केवल पेपर पे ही दिखती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में राजस्थान के 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के नतीजों ने बीजेपी सरकार को धूल चटा दी है। उसी तरह बंगाल के नतीजों ने भी ये दिखा दिया है कि जनता उनके साथ है। सांप्रदायिकता के नाम पर दरार पैदा करने वाली भाजपा सरकार फिर से केंद्र में आने की कोशिश कर रही है। ममता ने दावे के साथ कहा कि तृणमूल केंद्र के खिलाफ आवाज उठा रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तृणमूल के खिलाफ खड़ी हो रही है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उनके पास करोड़ रुपए है, उन्हें पैसों से बीजेपी सोशल मीडिया में अभियान चला रही है। बीजेपी नेता ने कहा, राष्ट्रवादी लहर को वोट में बदलो। संजय सिंह बोले, भाजपा वीरों की शहादत को भुनाने में लगी। पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाना शुरू कर दिया है। गुजरात बीजेपी के नेता और पार्टी प्रवक्ता भरत पांड्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमले के बाद देश में जो राष्ट्रवादी लहर है उसको वोट में तब्दील करें। वडोदरा में पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पांड्या ने कहा, जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उसके हिस्से आपने जरूर देखे होंगे। सभी मतभेदों का एक तरफ रखते हुए लोग राष्ट्रवाद की भावना के साथ आए हैं। लोगों ने रैलियों और आंदोलन के माध्यम से देश के लिए अपना प्यार दिखाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जब मनमोहन सरकार के दौरान मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब कैसा माहौल था, संसद में किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे थे, चर्चाएं इस बारे में थी कि स्थानीय लोग जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे कि जांच की जाए और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के मद्देनजर पहले ही कई कार्रवाई की जा चुकी है। देश के नागरिक देर रात तक जागते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी देश में यही भावना है, पूरा देश राष्ट्रवाद की भावना के साथ एकजुट खड़ा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एकता को एकजुट वोट में परिवर्तित करें। पांड्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा, पार्टी को खराब छवि देने के लिए आपके शब्द जिम्मेदार नहीं होने चाहिए, शब्द दवा की तरह होने चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐतराज जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सीमा पर भारत के सपूत शहीद हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के सपूत उनकी शहादत को वोट में भुनाने के लिए लगे हुए हैं। दैनिक जागरण ने मोदी भक्ति में छापी फर्जी रिपोर्ट, रवीश की अपील, हिंदी अखबार लेना बंद कीजिए। 2014 में रुपए की क्या धमक थी, डॉलर को धमकियां मिल रही थी, साधु संत तक ट्वीट करने लगे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो $1.40 का हो जाएगा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नरेंद्र मोदी तक रुपए को मुद्दा बनाने लगे। मगर क्या ऐसा हुआ, $1.40 की जगह 80 का होने लगा। 2019 में कहानी बदल गई है। भ्रम फैलाने के लिए नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो रुपया डॉलर के मुकाबले 75 से नीचे नहीं आ सकेगा। इसे पढ़कर हंसी आनी चाहिए। मोदी के राज में ही तो $1.75 का हुआ है, वो अपने राज में तो कम नहीं कर सके। खबरें ऐसी चमकाई जा रही है जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो और मोदी के बनते ही सब ठीक होने वाला है। जागरण की इस खबर को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा खुद भी सर्च करें। जिस महान विशेषज्ञ के हवाले से खबर लिखी गई है या लिखवाई गई है उसका नाम तक नहीं दिया गया। ये कौन विशेषज्ञ है, क्या शुरू में ही नाम नहीं देना चाहिए था? अक्सर ऐसे फर्जी विशेषज्ञ और रिपोर्ट के नाम पर ऐसा भ्रामक प्रचार किया जाता है जो कभी सही साबित नहीं होता। कितनी रिपोर्ट छपी होगी कि GDP 8% होने वाली है, हुई
अभी कितनी है? कहीं इन बातों की आड़ में भ्रम फैलाकर माहौल तो नहीं बना रहे हैं? इनका कहना है कि मोदी दोबारा नहीं चुने गए तो इंडोनेशिया की मुद्रा भारत के रुपए से आगे निकल जाएगी। ये नहीं बताया कि भारत का रुपया किन मुद्राओं से पीछे है। क्या इंडोनेशिया के रुपए से ही अचानक तुलना करने लगे? डॉलर छोड़ अब हमें इंडोनेशिया के रुपए से होड़ करनी है क्या? जागरण के इस खबर की हेडिंग कुछ और है, भीतर कुछ और है। हेडिंग में है कि मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बने तो 75 से नीचे गिरेगा रुपया। ये तो अच्छी बात है कि रुपया 75 से नीचे गिरे। क्या अब रुपए को कमजोर बनाए रखने के लिए मोदी को चुनना है? अखबार से गलती हुई है या जानबूझकर पाठकों को मूर्ख बनाया गया है? एक डॉलर 75 रुपए का हुआ तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर है। अब अखबार कमजोर को ही मजबूत बता रहा है तो फिर लिख ही देता कि एक डॉलर के सामने रुपए को 100 तक पहुंचाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। आखिर 100 तो 75 से बड़ा हुआ ना। खबर के बीच में सही लिखा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो एक डॉलर 75 के पार निकल जाएगा। ये सही है, अब लड़ाई 75 को बरकरार रखने की है। वैसे 75 का भाव भी बताता है कि नरेंद्र मोदी के राज में डॉलर के सामने रुपया कमजोर ही रहा। अब आम पाठक कहां से इतना पता लगाएगा? बस सोचना चाहिए कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा झूठ और भ्रम का सहारा लिया जाता है। क्या ये पाठकों और मतदाताओं के विवेक का अपमान नहीं है? अर्थ जगत पर लिखने वाले नीलकंठ मिश्रा का ट्वीट की तस्वीर लगा रहा हूँ। मिश्रा लिखते हैं कि जनवरी में भारतीय रुपया दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में था और ये मूर्ख विशेषज्ञ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इंडोनेशिया के रुपये के आगे निकल जाने का भ्रम फैला रहा है। हिंदी अखबारों से सावधान रहे, इस पर विचार करे कि या तो हिंदी की अखबार बंद कर दे या हर महीने अखबार बदल दे। आखिर झूठ पढ़ने के लिए आप क्यों पैसा देना चाहते हैं? किसी दिन हॉकर के आने से पहले उठ जाइए और मना कर दीजिए। एक दिन जाग जाइए, बाकी दिनों के लिए अंधेरे से बच जाएंगे। हिंदी के अखबार हिंदी के पाठकों की हत्या कर रहे हैं, सावधान। मायावती के बाद अखिलेश ने दी पीएम मोदी को चुनौती, कहा 2019 का चुनाव ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से करवा कर दिखाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। रविवार को मुंबई में आयोजित रैली के दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख देंगे। मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करने के बाद कहा था कि देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अखिलेश ने भाषण में खुद के बैकवर्ड होने की बात कई बार कही। उन्होंने कहा कि हम पिछड़े हैं लेकिन फॉरवर्ड से अच्छा काम किया, देश की सबसे अच्छी सड़क बनाए। यदि हमारी सरकार बनी तो हम उत्तर प्रदेश में 2000 एकड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा पार्क बनाएंगे। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पेट्रोल पंप और मीटर से चोरी हो रही है तो ईवीएम में भी हेरा फेरी हो सकती है, इसे खराब किया जा सकता है। शहीद अजय कुमार के परिजनों की अपील, देश इस बार नरेंद्र मोदी को वोट न करे। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की अभी 2 दिन पहले ही पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए अजित कुमार आजाद की अंतिम यात्रा में हाथों को लहराती हुई तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद साक्षी महाराज और उनकी पार्टी पर शहीदों के जनाजे पर सियासत करने के आरोप लगे। लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए शहीदों के जनाजे को भी नहीं बख्श रहे। बीजेपी के नेता शहीदों की अंतिम यात्रा को पार्टी के रोड शो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के इसी रवैये से लोगों में नाराजगी है। लोगों की ये नाराजगी अब मेरठ में देखने को मिली, जहां पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन में शहीद हुए मेरठ के सिपाही अजय कुमार की अंतिम यात्रा में शरीक हुए बीजेपी नेताओं को शहीद के परिजनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मंगलवार सुबह 11 बजे जब शहीद अजय कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बसा टिकरी पहुंचा, तो शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के विधायक संगीत सोम और केंद्रीय मंत्री सतपाल भी उनके घर पहुंचे। बीजेपी नेताओं को देखकर शहीद के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी नेताओं का विरोध करते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। शहीद के परिजनों ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपना गुस्सा निकाला। परिजनों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार मोदी को वोट न करें।
इसके साथ ही परिजनों ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं और नेता दिल्ली में बैठे मौज ले रहे हैं। बता दें कि मंगलवार की सुबह पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद अजय कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हुई। अजय कुमार की शव यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। शव यात्रा में केंद्र व प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।